मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला ऐप है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरे सारे प्लेटफॉर्म एंड आपका फैशन स्टेटमेंट क्या होता है, आपके लिए फैशन क्या है? मेरे लिए फैशन बहुत जरूरी है. तो इस ऐप पे जो लोग भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा. एंड आपकी फिल्म मुबारक की शूट ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ज़रा उसके बारे में कुछ बताओ. बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके. हम कर रही हूँ अर्जुन बहुत अच्छे फिल्म के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया. इट्स अ फन फिल्म. अनीस बाजमी सर जो कॉमेडीज़ के लिए जान जाते हैं. बहुत अमेजिंग ऐप होने वाली है बिकॉज यू नो सोशल मीडिया पे जो लोग भी एक्टिव हैं, जो ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हैं, उनके लिए अच्छी बात ये है कि मेरे ऐप पे आके एक ही जगह पे वो तीनों प्लेटफॉर्म्स एक्सेस कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अमेजिंग थिंग्स ऑन दिस ऐप. आई डोंट नो मैं कितना अभी बता पाऊँगी बट वन ऑन वन इंटरेक्शन विद फैंस, देयर इज़ अ लॉट ऑन दिस ऐप दैट्स गोइंग टू हैपन. बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हैं, बहुत कुछ एक्साइटिंग है एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ स्नीक पीक इन टू माई लाइफ. अमेजिंग एक्सक्लूसिव पिक्चर्स कॉन्टेंट दैट आई डोंट पुट आउट ऑन अदर सोशल मीडिया. ओके, और क्या क्या नया देखने को मिलेगा फैंस को इसमें? एक्चुअली बहुत कुछ है, जैसा मैं अभी कह रही थी आपको, स्लोली स्टेडिली वील स्टार्ट रिवीलिंग इट. सब कुछ मैं अभी नहीं बता सकती बट एज एंड व्हेन वी स्टार्ट यू नो लाइक देर हैजंट बीन एनी प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन हैव वॉइस मैसेजेस. सो यू नो आई कैन लीव लवली वॉइस मैसेजेस टू माई फैंस. आई कैन पुट आउट अमेजिंग न्यू पिक्चर्स, वीडियो कॉन्टेंट विच इज़ अमेजिंग. सो यू नो देर इज़ अ लॉट दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन द ऐप. या Absolutely, because that's something I've always been doing, you know, whether it's Insta, Facebook or Twitter. अगर आप मेरे social media platforms को follow कर रहे होंगे तो आपको पता होगा that I'm very very active on it. Of course, now I have a wonderful team with me who is going to help me with everything. They have amazing cameras, so they are going to shoot amazing fun videos. Otherwise, I used to do it on my phone, you know. So the quality wasn't good and that was a you know perpetual complaint that I had from fans. So bahut maza aane wala hai and there's going to be a lot more content, there's going to be a lot more interesting things coming from me to the fans. So sirf photos aur videos hi dekhne milenge ki aapke movie bhi aapke app mein hai? Bahut kuch dekhne ko milega. Sare trailers, any kind of videos will be uploaded, jaise ki YouTube pe hota hai वैसे इस ऐप पे भी रहेगा. एंड यू नो यू डोंट हैव टू गो एवरीवेयर एंड पुट अ यूआरएल एंड वॉच ऑल ऑफ दैट. यू कैन गो टू माय ऐप एंड वॉच एवरीथिंग. सो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, सब सेलेब्स अपना ऐप निकाल रहे हैं. आपको क्या लगता है कि ये ऐप वाला ट्रेंड क्यों इतना आजकल? सी ऑनेस्टली जब भी कोई भी नया ट्रेंड आता है इट कैचेज अप लाइक फायर. सम फेड आउट, सम डोंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके ऐप में ऐसी क्या खूबी है दैट इज़ गोइंग टू स्टिक अराउंड फॉर लॉन्ग. एंड आई थिंक दिस ऐप दैट आई एम लॉन्चिंग हैज़ अमेजिंग थिंग्स इन इट एंड पीपल आर गोइंग टू रियली इन्जॉय इट. एंड अगर लोगों को मज़ा आता है तो खूब डाउनलोड करते हैं, खूब मज़े करते हैं. कितनी अलग मानती हूँ? बहुत अलग मानती हूँ क्योंकि पहले तो हर एक्टर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है. द वे दे इंटरैक्ट विद पीपल इज़ डिफरेंट, द काइंड ऑफ कंटेंट दे पुट आउट इज़ डिफरेंट. सो माइन ऑब्वियसली विल बी वेरी मच लाइक मी. मुझे जो चीज़ें करने में मज़ा आता है, मुझे जो कंटेंट शेयर करना है, वो बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम एनी अदर एक्टर. सो दैट्स वन थिंग. अगेन ऐप के बारे में मैं सब कुछ अभी नहीं बताना चाहती बिकॉज दैट्स द फन. हम धीरे धीरे बहुत कुछ रिवील करने वाले हैं ऐप के बारे में एंड बहुत सारे नए ऑप्शंस हैं ऐप में. सो अपार्ट फ्रॉम द फोटोज, वीडियोज एंड अदर थिंग्स, देयर इज गोइंग टू बी लाइक थिंग्स अबाउट माई लाइफ दैट यू प्रॉब्ली डिडंट नो. एक्सक्लूसिव फुटेज फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ मूवी सेट. तो बहुत कुछ एक्साइटिंग हमने प्लान करके रखा हुआ है एंड आई हैव अ लवली टीम हुज़ गोइंग टू हेल्प मी डू ऑल ऑफ दिस. तो बहुत मज़ा आने वाला है. कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि एप्पल स्टोर? आई थिंक इट्स अवेलेबल टेक्निकली अपने फ़ोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर. हाउ एवरी अदर ऐप इज़ अवेलेबल, तो ऐप स्टोर पर जाइए और डाउनलोड करिए. ओके, एंड जैसे कि आपकी फिल्म की शूटिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट हो गई है, मुबारक के बारे में बात करना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताइए. बहुत मज़ा आया. इट्स अ फन फिल्म, इट्स अ क्लासिक अनीस बाजमी फिल्म. बहुत ही अमेजिंग कॉमेडी होने वाली है. इट्स गॉट अ गैमट ऑफ स्टार्स. अनिल कपूर जी के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया. इज़ अ वेटरन एक्टर. आई वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम. अर्जुन अगेन इज़ वेरी वेरी गुड टू वर्क विद. द होल टीम वॉज अ लॉट ऑफ फन एंड फाइनली द शूटिंग इज डन. सो या एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेशल अपीयरेंस. सो
यू नो वॉट, हर वक्त एक कंप्लेन होती है कि मैं बहुत कम फिल्में कर रही हूँ और बहुत आराम कर रही हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब नहीं करूँगी, अब मैं बहुत सारा काम करूँगी. सो द आइडिया इज़ टू डू अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड देर आर अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू मेक रियली रियली सून. I don't know about web series. I did a short film called Kriti, which was very exciting for me. Web series also, let's see, as in when kuch interesting aata hai, toh I'll look into it. मतलब मैंने खुद पर्सनली आई मीन वही बात है, आप कितने लोगों के फैन या फॉलोअर हो सकते हैं, आई मीन यू कांट रियली फॉलो द होल वर्ल्ड. तो आपको अपनी चॉइस, आपको डिसीजन लेना है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं. आई एम श्योर यू डोंट वांट टू फॉलो एवरीबॉडी, बट देयर आर दोस पीपल यू वांट टू फॉलो, यू वांट टू नो अबाउट. सो आई थिंक there are those lovely people who want to follow me, so they will download my app. And what do you think ki internet pe aajkal celebrities jo bhi active hai, being on Twitter, Instagram, whatever, in jo internet hai, it's becoming dangerous or something for celebrities, because public figure kuch bhi bolti hai, either they get trolled or controversy create ho jaati hai. Yeah, I mean, there's access to everyone's life a lot more now, and everything you say is being judged by someone or the other. But I, as being a public figure, I think zaruri hai to be responsible of what you're saying or doing, because you are a public figure at the end of the day. You're not someone who could just say and get away with anything. So you have to be more responsible. Of course, with responsibility, there's a lot of love that you get being a celebrity. So ye pros and cons to lage rahenge. I think you just have to learn to live with it and deal with it well. Yeah? Thank you guys. Thank you so much.